हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुरु नीति 17 नंबर आपके साथ लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग वेव थ्योरी 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेव थ्योरी 2 में जो है हम साउंड वेव डिस्कस करने वाले हैं। वेव थ्योरी 1 हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, जहां हमने स्ट्रिंग पे वेव डिस्कस किया था। तो इसमें हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में क्या है, फॉर अ साउंड वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, साइनसोइडल लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन, एक्स एप्सिलॉन जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एट अ सर्टेन टाइम इज गिवन बाय द फंक्शन एक्स, ठीक है, इफ द बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस दे रखा है, देन द वेरिएशन ऑफ द एक्सेस प्रेशर विल बी, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन का ग्राफ दे रखा है, हमें बताना क्या है, हमें प्रेशर और पोजिशन का वेरिएशन बताना है, ठीक है। तो प्रेशर पोजिशन का वेरिएशन बताना है, हम उसको बात को इस तरह से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, और इस पॉइंट के आसपास अगर हम दो पॉइंट लें, एक पॉइंट हम यहां पर देख सकते हैं, एक पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इसका मतलब है यदि मैं यहां एक पॉइंट लूं, है ना, तो इधर वाला जो पॉइंट होगा ये इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा होगा, ये वाला पॉइंट इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा होगा। तो 0.1 के आसपास जो है जो पार्टिकल्स होंगे वो क्राउडेड होंगे, क्राउडेड होंगे तो वहां डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। तो जो पॉइंट 1 है यहां पर प्रेशर काफी, यहां पर प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होगा मतलब कंप्रेशन होगा, जी यहां पर कंप्रेशन होगा। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं, तो पॉइंट 2 की यहां पर जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये जो राइट वाला पार्टिकल होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये लेफ्ट वाला पार्टिकल होगा ये नेगेटिव डायरेक्शन जाएगा, तो यहां पे पार्टिकल्स दूर-दूर हो जाएंगे, दूर-दूर हो जाएंगे तो वहां पर रेरिफिकेशन होगा, रेरिफिकेशन होगा तो डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। तो पॉइंट 1 पे प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए और पॉइंट 2 पे प्रेशर सबसे कम होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर देखें, है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 और 4 अगर देखेंगे तो दोनों में पॉइंट 1 पे प्रेशर सबसे ज्यादा है और पॉइंट 2 पे प्रेशर सबसे कम है, ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब हमें क्या करना है, वैल्यू भी देखना है, प्रेशर एम्पलीट्यूड हम और कैलकुलेट करके देख लें। अगर हम प्रेशर एम्पलीट्यूड देखेंगे तो प्रेशर एम्पलीट्यूड डेल्टा पी नॉट बराबर होता है बी ए इनटू के, बी इज द बल्क मॉडुलस, ए जो है वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है और के को हम 2π/λ लिख सकते हैं, तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा 5 × 10⁵, 5 × 10⁵ इंटू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है वो 10⁻⁴ है इंटू 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा हमें दिख रहा है यहां से यहां तक जो लैम्डा है वो 0.2 है ना, यहां जो लैम्डा है ये 0.2 के बराबर है। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो 5π × 10⁻² के बराबर आ जाएगा, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा, तो आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ टू करंट सन सोर्सेस S1 एंड S2 आर x-x,0 एंड x-y/2 रेस्पेक्टिवली। ए डिटेक्टर मूव फ्रॉम x/√2 अलोंग ए कर्व एंड ऑब्जर्व मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर फर्स्ट टाइम एट ए पॉइंट px,y/2, फाइंड द करंट रिलेशनशिप फॉर द वेवलेंथ टू बी लैम्डा। तो देखो क्या है हमारे पास, ये दो पॉइंट दे रखे, एक सोर्स ऑन S1 के लिए और ये सोर्स S2 के लिए। तो और जो डिटेक्टर हमारे पास जो मिनिमम इंटेंसिटी ले रहा है वो ये ले रहा है, तो सिंपल से हमें इसमें पार्ट डिफरेंस निकालना है और पार्ट डिफरेंस जो हमें फाइंड करना है वो कितना होना चाहिए, λ/2 के बराबर होना चाहिए। तो इसके एक बार हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ S1 का जो पॉइंट आएगा वो आएगा -x,0 और दूसरा लिखा जाएगा x-y/2 और जो जहां पे पॉइंट P है वो हमें दे रखा कितना x,y/2। अब इसको देखो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं, तो इसको S1 और S2 दोनों पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये अगर मैं x इधर मान लेते हैं तो S1 हमारा नेगेटिव में है, तो यहां मैंने मान लिया ये S1 और इसको मैंने लिखा -x,0। दूसरा हमारे पास दे रखा है S2 और ये हमें दे रखा है x-y/2 है, तो अगर ये y है तो ये कहां आएगा हमारे पास, इधर, और इसके साथ में यहां कहीं आएगा, ये S2 हो गया, तो इसको मैंने लिखा ये आ जाएगा x-y/2। डिटेक्टर हमारा कहां पे है, x और +y/2, तो मतलब डिटेक्टर हमारा कहीं यहां कहीं है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितने x, y/2, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब सिंपल सा है, इसको अगर मैं बुलाऊं तो ये हमारे पास पार्ट मान लेता हूं S1 और ये मान लेता हूं S2, तो इनका पार्ट डिफरेंस हमें निकालना है। तो S1 अगर मैं लिखूं यहां पे पार्ट डिफरेंस जो लिखा जाएगा S1, इसका पार्ट कितना आ जाएगा x प्लस, ये कितना हो जाएगा 2x² + y/2 का स्क्वायर,
ये हमारे एस वन का पाथ आ गया, ऐसे ही एस टू का लिखूंगा तो ये एक्स से एक्स तो हमारा कैंसिल हो गया, बाई बचा तो ये हमारे पास आ जाएगा बाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सिंपल सा बोला इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम है, तो मुझे क्या लिखना है एस वन माइनस एस टू जो होगा ये किसके बराबर आना चाहिए, लैम्डा बाई टू के बराबर, लैम्डा बाई टू के बराबर आएगा। तो इसको अपन लोग लिख लेते हैं, ये कितना आएगा हमारे पास एस वन को अगर मैं लिखूं तो ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां आ जाएगा हमारे पास फोर आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई फोर, ये अंडर रूट में आ जाएगा और इधर जो हमारे पास आएगा माइनस का वाई इक्वल टू लैम्डा बाई टू, इसको वाई को इधर लेके आ जाओ तो ये हमारे पास बनेगा लैम्डा बाई टू प्लस वाई और ये इधर बनेगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे ये अंडर रूट में 4 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ये फोर्थ ऑप्शन आएगा जी, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका फोर्थ। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। An open pipe of sufficient length is dipped in water with a velocity v vertically if at any instant L is the length of the tube above the water, then the rate at which the fundamental frequency of the pipe changes is. ठीक है, तो ये पाइप है, ये यहां तक तो let's say लिक्विड में डूबा हुआ होगा और इसमें अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो ये इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जो ये लेंथ L हो जाएगा, ये लेंथ L किसके बराबर रहेगा, ये लेंथ L जो है ये लैम्डा बाय 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ लैम्डा है ये बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स लेंथ। ठीक है, अगर हम लिखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी किसकी, साउंड की, तो साउंड की वेलोसिटी यहां पर C लिख रखे हैं और वेवलेंथ हो जाएगा 4L। और हमें पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है df डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय 4, 1 बाय का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाय l स्क्वायर इनटू dl बाय dt, है ना, और dl बाय dt को भी लिख सकते हैं जो कि ट्यूब की वेलोसिटी है, वो ट्यूब का रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ है, क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो dl बाय dt जो होगा वो फिर से नेगेटिव आएगा, इससे ये नीचे आ रहा है जी, नीचे आ रहा है तो लेंथ तो डिक्रीज होगा, है ना, लेंथ डिक्रीज होगा तो dl by dt क्या होगा, dl by dt नेगेटिव आना चाहिए, तो एक्चुअली ये माइनस भी आना चाहिए, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग देखेंगे cv डिवाइडेड बाय cv डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, तो आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, यस सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला टू वायर आर फिक्स्ड इन ए सोनोमीटर, देयर टेंशन आर इन द रेशियो 8:1, द लेंथ आर इन रेशियो 36 35, the diameter r in the ratio 4:1, the densities of the material r in ratio 1:2. If the higher frequency in the setting is 360 hertz, then beats frequency when the two wire are shown. तो सिंपल से हमारे पास ये सोनोमीटर बोल रखा है और जो हमें दे रखा है इसमें जो टेंशन का रेशियो हमें दे रखा है और हमें दे रखा है इसका रेशियो, लेंथ का रेशियो दे रखा है और इनका डायमीटर का, तो मैं कहूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी को आप लोग सीधे लिखते हैं, एक पहले फार्मूला बना लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी का, नेक्स्ट वाले स्लाइड में डेटा लिख लेंगे। एफ इक्वल टू जो लिखा जाएगा हमारे पास, जैसे सोनोमीटर है ये यहां से ऐसे चलेगा, तो जो वेवलेंथ आएगी हमारे पास वो क्या होगी, यहाँ ऐसे मान लेते हैं लोग लैम्डा बाई टू की फॉर्म में बनेगी, तो एल जो आएगा वो हमारे पास लैम्डा बाई टू हो जाएगा, या लैम्डा जो होगा वो 2L के साथ में चलेगा। पहली बात तो ये होगी हमारे पास, और तो इसको अपने लोग लिखते हैं बी बाई लैम्डा, या मैं इसको लिख लेता हूँ सिंपल सा टी बाई न्यू इनटू 1 बाई 2L, 1 बाई 2L, ठीक है, तो हमने ये लिखा। अब इसको अगर मैं फ्रीक्वेंसी को और फार जो फार्मूला है इसको अगर जो डेटा हमें दिया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1 बाई 2L, टेंशन को तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे, म्यू को अगर रखेंगे तो म्यू को आ जाएगा हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई 2L, सिंपल सा टी ऐसे लिखा जाएगा, मास को जो लिखोगे आप तो आएगा पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, ये लेंथ वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी मैंने लिखी और ये आ गया, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया हमारे पास, तो जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनता है वो बनेगा सिंपल सा 1 बाई 2L टी अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू रो, तो ये सर हमारे पास फार्मूला आ जाता है जी। अब हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको मैं अगर और सिंपलीफाई करना चाहूं तो इसको अगर हमने सिंपलीफाई करना चाहे तो मैं लिख सकता हूं कि जो एफ होगा वो डायरेक्टली चलेगा किसके साथ 1 बाई L रेडियस आर, और यहां पे चलेगा टी के साथ टी बाई रो के साथ जी। हमारे पास दो डेटा दिए हुए हैं तो मैं ऐसे लिख लेता हूं F1 अपॉन F2, तो ये जो बनेगा हमारे पास यहाँ L1 आ जाएगा यहाँ L2 आ जाएगा, पहला तो ये बनेगा, दूसरा हमारे पास बनेगा ये R2 by R1 और अंडर रूट में बनेगा
T1 by T2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Rho2 by Rho1। तो ये हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू दी हुई है अभी जो L1, L2, R1, R2, T1, T2 और Rho2 by Rho1 तो इसको एक बार चेंज दे रखिए। हाँ, ये सारी वैल्यू हमें रेशियो में दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी का रेशियो मिल जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी का रेशियो मिल जाएगा तो हमें ये बता रखा कि कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 360 दे रखा है। तो जब आप इसको लिखोगे तो आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 35/36। अब हमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो हमें F2 दे रखी है जी। वो कितने दे रखा है, 360 दे रखी है। तो अगर मैं यहां से लिखूं F1 by, इसको मैं लिख लेता हूं 360 × 35/36 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। F1 जो आएगा ये कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 350 आ गया। अब हमसे इसमें बोल रहा है कि बीट्स पूछ रहा है, तो F2 तो हमें पता कितना हो गया, 360 हो गया, और F1 हो गया 350। तो इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है सर जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म लिसनिंग टू अ व्हिसल ऑफ अ इंजन दैट पासेस द मैन एट कांस्टेंट स्पीड विदाउट स्टॉपिंग। इफ द इंजन पासेस द मैन at time t naught, how does the frequency f of the whistle is heard by the man changes with time? ठीक है, तो इसको हम लोग अगले पेज में सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये ट्रेन है, ठीक है, और ये आदमी जो है ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ना। तो पहले ट्रेन जो है वो आदमी की तरफ आ रही थी, अब ये ट्रेन आदमी के दूर जा रही है, ठीक है। तो एक बात हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि आदमी जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, हम ये मान रहे हैं कि जो आदमी है वो ट्रेन के बहुत पास है, है ना, ट्रेन के बहुत पास है। तो हम शुरू में ये मानेंगे कि ट्रेन इज अप्रोचिंग द मैन, बाद में ये मानेंगे कि ट्रेन इज लाइक गेटिंग अवे फ्रॉम द मैन, ठीक है। तो जब ये पास आ रहा है ना, जब ये पास आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इनटू जो साउंड की स्पीड होगी, है ना, साउंड की स्पीड होगी। और ये पास आ रहा है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे माइनस वी। और जब ये दूर जा रहा होगा तो यहां पर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे F नॉट, इसको लिख देंगे C माइनस जीरो डिवाइडेड बाय, और यहां पर आ जाएगा C प्लस V। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जब ट्रेन पास आ रही है तो एक फ्रीक्वेंसी है, और जब ट्रेन दूर जा रही है तो एक फ्रीक्वेंसी है, तो दो ही फ्रीक्वेंसी है ना। और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगी, जब तक ये पास आएगा तब तक एक फ्रीक्वेंसी, जब दूर जाएगा तो दूसरी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम ऑप्शन देखें, है ना, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला आंसर सही होना चाहिए, है ना, कि जब पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा सुनाई देगी, जब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी जो है कम सुनाई देगी, हो जाएगी, है ना, तब डिक्रीज हो जाएगी, सडनली डिक्रीज हो जाएगी, है ना, कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 26, ए ट्यूनिंग फॉर्क वाज सॉन्डेड ओवर द ओपन एंड ऑफ एन एयर कॉलम एंड प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड व्हेन टेंपरेचर वाज of air was 20 degree Celsius, the tuning fork gave the lower note. When the temperature gradually declined to the 5 degree Celsius, the tuning fork produced 3 beats per second. The frequency of tuning fork. तो हमारे पास किधर का ये tuning fork है, और ये sound किसके साथ हो रहा है, हमारे पास open pipe के साथ हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको अपने लोग क्या करना है, इसमें beats हमें दे रखी है, पहले तो कितना है 4, फिर हो जा रहा है हमारे पास beats जो हो जा रही है वो 3 हो जा रही है। तो पहले अपने लोगों को चेक करना है, जैसे मान लो tuning fork की अगर मैं frequency लिख लेता हूं, इसको मैं एफ टी लिख देता हूं, और जो पाइप की फ्रीक्वेंसी है उसको मैं एफ पी लिख देता हूं। तो इसके दो केस हो सकते हैं, या तो एफ टी माइनस एफ पी इक्वल टू 4 होगा, या एफ टी या होगा ये एफ पी माइनस एफ टी इक्वल टू 4। ये दो केस होंगे। अब हमें इसमें चूज करना है कि कौन सा हमें लेना है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास इसकी जब फ्रीक्वेंसी, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी, जो बीट्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज हो रहा है मतलब, तो ये कैसे डिक्रीज हो सकता है हमारे पास, अगर मैं ये वाला केस ले लेता हूं एफ टी माइनस एफ पी, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी, तो अब देखो इसमें हमारे पास अगर मैं इसको कम करता हूं ना टेम्परेचर को, तो अगर मैं इस वाली क्वांटिटी कम करूंगा तो ये बीट्स हमारे पास और बढ़ जानी चाहिए, मतलब 4 से ज्यादा आनी चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन तो लोग लगाएंगे नहीं। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हमने टेम्परेचर कम करा तो बीट्स कम हो रही है, मतलब ये वाली क्वांटिटी है, अगर ये कम होगी तब ये डिफरेंस हमारा 4 से कम आएगा। तो मतलब जो इसकी एफ पाइप की जो फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूंगा तो ये आप लिख सकते हो 4 + FT। तो ये इक्वेशन तो हमारे पास ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी एफ पी, ये मैं एफ पी डैश लिख देता हूं, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 3 + FT, ये दूसरी इक्वेशन आ गई।
अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी आती है, अगर हम लोग इसको आगे लेके चले टेम्परेचर की फॉर्म में हमें लेके आना है, तो एफ जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, बी बाई लैम्डा, और साउंड की जो स्पीड चलती है वो कैसे चलती है, टेम्परेचर के साथ रूट टी के फॉर्म में चलेगी। हाँ, तो इसको अगर मैं सीधे लिखूं तो जो एफ चलेगा वो कैसे चलेगा, रूट टी के प्रोपोर्शनल, रूट टी के प्रोपोर्शनल में चलेगा। अब हमारे पास जो टेम्परेचर इसमें दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस में, तो अपने डिग्री सेल्सियस में डेटा ही रखेंगे, डेटा रखेंगे किसमें, केल्विन में, तो पहला टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री है और फिर 5 डिग्री है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो एफ पी अपॉन एफ पी डैश, ये जो इक्वेशन बनेगी ये कितना बनेगा, 4 + Ft 3 + Ft, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिखा जाएगा तो 273 + 20 कितना हो गया, 293 आ जाएगा यहाँ पे, और 273 + 5 हो जाएगा 273 278। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा ये 34 आ जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27। देखिए, टू सोर्स ऑफ साउंड S1 S2 प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज़। ठीक है, अ लिसनर इज मूविंग फ्रॉम सोर्स S1 टुवर्ड्स S2 विद कांस्टेंट स्पीड u मीटर पर सेकेंड एंड ही हियर्स 10 बीट्स पर सेकेंड, the velocity of the sound is 330 meter per second, then u is equal to. तो ऐसा करते हैं, कह रहे हैं हमारे पास दो सोर्स हैं, ठीक है, एक S1 है, ये रेस्ट पे है, ये S2 है, ये भी रेस्ट पे है, ये लोग एक फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे हैं 660 हर्ट्ज की, ठीक है, और एक लिसनर है जो कैसे मूव कर रहा है, मूविंग फ्रॉम S1 टुवर्ड्स S2, तो एक ऑब्जर्वर है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो एफ थी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो एफ थी, इसके कारण जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसे F1 बोल देते हैं, इसके कारण जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो F2 बोल देते हैं। ठीक है, F1 जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है ये सोर्स को अप्रोच कर रहा है, F2 जो होगा वो थोड़ा कम होना चाहिए F के कंपैरिजन में क्योंकि ये S2 से दूर जा रहा है। तो अगर मैं F1 की वैल्यू लिखना चाहूं, है ना, अगर मैं F1 की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये जो 660 है ना, 660 है, तो लेट्स से इसे मैं F0 लिख देता हूं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा F0 into, है ना, into, और साउंड की स्पीड जो है वो 330 है, ये हो जाएगा 330 प्लस u डिवाइडेड बाय 330, और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा F0 into 330 माइनस u डिवाइडेड बाय 330, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 बीट के बराबर है, F1 बड़ा है, F2 छोटा है, हम यहां से F1 माइनस F2 निकाल के देखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा F0 डिवाइडेड बाय 330 डिवाइडेड बाय 330, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2u आ जाएगा इनटू 2u, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है, F0 की वैल्यू 660 है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 660 2u इनटू 2u 330 इनटू 330 is equal to 10, यहां से सॉल्व कर लेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड, पहला हमारा आंसर पहला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड इज मेड टू वाइब्रेट इज इट्स इन सेकंड ओवरटोन, तो हमें पहले तो सेकंड ओवरटोन दे रखा है, फिर हमसे बोला है भाई ये ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज दे रखा है, फिर इसमें बोला था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड की स्पीड भी हमें दे रखी है, एंड करेक्शन में भी नेगलेक्ट है, मतलब वाइड करेक्शन हमें लेने नहीं है, लेट पी नॉट डिनोट द मीन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द पाइप एंड डेल्टा पी नॉट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रेशर वेरिएशन। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है हमारे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, तो सिंपल हमारे पास ये बोल रहा है ये किसमें सेकंड ओवरटोन में की बात, सेकंड ओवरटोन की बात कर रहा है, तो सेकंड ओवरटोन का मतलब करें अब ये क्या हमारे पास पाइप क्लोज है, मतलब ये वन एंड पे क्लोज है, तो ये इस कुछ इस तरीके से होगा, पहले तो ये फंडामेंटल इस तरीके से आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास इस तरीके से आएगा फर्स्ट ओवरटोन, ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन हो गया, हमसे बात हो रही है सेकंड ओवरटोन की, तो अगर मैं सेकंड ओवरटोन को मैं लिखूं तो जो लेंथ लिखी जाएगी वो सीधे मैं लिख लेता हूं, पहले आएगा लैम्डा बाई 4 फिर 3 लैम्डा बाई 4 फिर आएगा 5 लैम्डा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 5 लैम्डा बाई 4, ये हमें एक डेटा मिल गया। अब हमसे क्या बोल रहा है इसमें लेंथ हमें पता करनी, तो हमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी पता है और स्पीड पता है, ठीक है, तो बी इक्वल टू हम लोग लेके चलते हैं एफ इंटू लैम्डा, तो स्पीड लिख लेते हैं कितना 330, और ये हमें दे रखा
440 इनटू लैम्डा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा जो बचेगा वो आएगा 33 डिवाइड बाय 44, ठीक है। अब इसको यहां रख लेते हैं तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी, लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो लिखा जाएगा 5/4 इनटू 33 डिवाइड बाय 42, इसको 11 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3/4 आ जाएगा। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा 15/16। तो मिडिल कॉलम की अगर हम लोग बात करें, मतलब ये हमारे पास कोई पाइप है, तो ये जो कहीं पे पॉइंट होगा हमारे पास ये मिडिल की बात है, तो हम लोग ऊपर से लेके चलेंगे, सिंपल सा। अगर हम लोग इसको ऊपर से लेके बात करते हैं तो हमारे पास जो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाले की बात करता हूं, पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट बना लेते हैं फिर इसके साथ में प्रेशर वाला बना लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मोड में बात करें तो हमारे पास क्या आता है यहां पर, ये कुछ इस तरीके से एंटी नोड होगा, फिर इसके बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा और फिर ये इस तरीके से आएगा, ये होगा। अगर अपने लोग प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर में क्या होगा, यहां पे ये उल्टा हो जाता है एकदम इसके, तो कुछ ये ऐसे होगा, ये इस तरीके से होगा। तो अपने लोग इसको लेके चलते हैं यहां से, तो जो लिखा जाएगा एम्पलीट्यूड साइन के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो एम्पलीट्यूड को अगर मैं लिखना चाहूं किसी पॉइंट में तो वाई लिख सकता हूं मैं, डेल्टा पी इक्वल, हाँ पी इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास एल बाई टू, ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी, तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा डेल्टा पी साइन के की वैल्यू, तो अपने लोग 2π/λ लिख सकते हैं, और एक्स जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एल बाई। अब L हमें कहां से मिलेगा, L हमने अभी सॉल्व करा था, वो कितना आ रहा था 15/16 आ रहा था, तो इसको एक बार यहां रखते हैं, तो ये बनेगा डेल्टा P साइन 2π/, अब हमें लैम्डा चाहिए तो लैम्डा का ले सकते हैं इसको, सिंपल सा जो B है डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, और यहां पे ये आएगा हमारे पास 15/32। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो डेटा बनता है ये बनेगा डेल्टा पी साइन 5π/4 जी, तो अब इसको इधर लिख देते हैं, तो ये बनेगा डेल्टा पी साइन 5π/4 बनेगा, और ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइड बाय √2। तो आपने चेक कर लेते हैं, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप। तो देखो इसमें प्रेशर की बात करें, जो भी डायग्राम बनाया था तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें, सिंपल सा इसको अभी यहां पे बना लेते हैं। अगर प्रेशर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मोड में फंडामेंटल में इस तरीके से आएगा, और प्रेशर क्या चलेगा इसके इनवर्सली चलेगा, मतलब सिंपल सा अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट में अगर नोड एंटी नोड बनेगा तो यहां पे क्या बनेगा, नोड बनेगा, तो यही बात हो रही है हमारे पास। अब चाहे इसमें सेकंड ओवर टोन है कुछ हो, यहां पे बनेगा तो हमारे पास नोड ही बनेगा प्रेशर उसका। तो हमसे पूछ रहा है मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर कितना रहेगा, ये हमें बता रखा कितना, लेट पी नॉट इज द मीन प्रेशर एट द एनी पॉइंट, तो कितना रहेगा ये पी नॉट ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास पी नॉट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट क्लोज एंड। तो इसमें आपसे देखो बात हो रही है किसकी, क्लोज एंड की बात हो रही है। इससे पिछले बारे में किसकी बात हुई थी, ओपन एंड की बात। तो अब हम लोग क्लोज एंड अगर बनाए, मैं यही बना देता हूं इसको, अगर मान लो ये है पाइप तो ये क्लोज एंड होगा जी। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होगा, क्लोज एंड का नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारे पास इस तरीके से बनता है जी। तो हमने बना दिया किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर में बनता है इसका रिवर्स हो जाता है, एंटी नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा। ये अपने लोगों ने सिर्फ फंडामेंटल बना लिया, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, बनेगा तो ये ऐसे ही ठीक है। तो ये मेन प्रेशर जो हमारे पास आएगा वो तो कितना हो जाएगा,
डिरेक्शन on the same straight track with B ahead of A, ठीक है, the engines are at the front end. The engine of the train A blows a long whistle. Assume that the sound of the whistle is composed of the component varying in frequency F1 equal to 800 hertz to 1120 hertz. तो जो frequency है, वो 800 hertz से लेकर के 1120 hertz तक, 1120 hertz तक जा सकती है, ठीक है? Spread in the frequency, highest to lowest frequency is thus 320 hertz, है ना? कहने का मतलब है कि इन दोनों का जो frequency का difference है, या फिर एक तरह से कहें जो bandwidth है, वो 320 hertz के बराबर है. Speed of sound दे रखा है 340, है ना? Sound की speed को मैं C लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 340 meter per second दे रखा है. तो बाकी कुछ question पूछा हुआ है. The speed of the sound of the whistle is, ठीक है? तो देखे, अगर मैं दो train बना करके देखूं, ठीक है, तो हमारे पास दो ट्रेन है. लेट्स से एक ट्रेन है, ये ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन ए है, और ये दूसरी ट्रेन है, ये ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन बी है, और इन ट्रेन की जो वेलोसिटीज दे रखी है ना, एक बार हम देख लेते हैं इनकी वेलोसिटीज कितनी कितनी दे रखी है. तो क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड है एक ही डायरेक्शन में. तो ए की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड. ए ने एक साउंड एमिट किया, ठीक है. अब मैं दो पैसेंजर कंसिडर करता हूं, एक ए में बैठा है और एक बी में बैठा है. तो जो साउंड यहां प्रोड्यूस होगा वो, अगर बी को सुनना है तो साउंड आगे जाएगा और ए को सुनना है तो साउंड पीछे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए में जो पैसेंजर है वो इंजन के पीछे बैठा है और बी में जो पैसेंजर है वो इस साउंड सोर्स के आगे बैठा है. साउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 340. साउंड की जो वेलोसिटी है वो है 340. ए की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर. ए की वेलोसिटी 20, साउंड की वेलोसिटी 340, अप्रोच कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 360. तो ए को जो साउंड की वेलोसिटी जो पता चलेगी वो 360 मीटर पर सेकंड पता चलेगी. अगर मैं बी की बात करूं, बी 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और साउंड जो है वो बी को कितने से अप्रोच कर रहा है, 340 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है. तो बी को जो साउंड की वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 310 मीटर पर सेकंड मिलेगी. तो ये हो जाएगा 310 मीटर पर सेकंड, बेसिकली 340 माइनस 30 हो गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ऑप्शंस अगर हम देखें, है ना, तो ऑप्शंस हमारा देखें तो ये सेकंड आंसर आ जाएगा, 360 मीटर पर सेकंड फॉर पैसेंजर ए एंड 310 मीटर पर सेकंड फॉर पैसेंजर बी, ठीक है. चलिए तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, है ना, इसी का है. हाँ, इसी का है, तो अभी उसको हम रब नहीं करेंगे, है ना, इसी में काम चल जाएगा. क्वेश्चन लिखा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साउंड इंटेंसिटी ऑफ द विसल एज ऑब्जर्व्ड बाय द पैसेंजर, है ना, पैसेंजर इन ट्रेन ए इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है. जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर सॉल्व करके देखें, अगर हम देख रहे हैं पैसेंजर ए में बैठे आदमी की बात करें, है ना, विसल कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए विसल कर रहा है, और ऑब्जर्वर भी अगर ए में बैठा है तो उसे तो कोई डॉपलर इफेक्ट पता ही नहीं चलेगा, है ना. तो ए को कोई डॉपलर इफेक्ट पता नहीं चलेगा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, है ना, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ए को कोई डॉपलर इफेक्ट पता नहीं चलेगा. तो ए के लिए जो होगी फ्रीक्वेंसी, जो इंटेंसिटी का वेरिएशन वैसे ही होगा जो कि एक्चुअल इंटेंसिटी का होगा, ठीक है. तो अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा, हमारा इसका आंसर पहला हो जाना चाहिए, ठीक है. जो जो जिस इंटेंसिटी से साउंड रिलीज होगी उस फ्रीक्वेंसी की वही इंटेंसिटी सुनाई देगी, ठीक है. डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए दे रखा, ठीक है. अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है. तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, द स्प्रेड ऑफ द फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व्ड बाय द पैसेंजर इन ट्रेन बी, एज ऑब्जर्व्ड बाय द पैसेंजर इन ट्रेन बी. तो जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज थी वो 800 से लेकर के 1120 तक थी. ए की वेलोसिटी कितनी थी, 20, और बी की वेलोसिटी कितनी है, 30. बी की वेलोसिटी है 30, ठीक है. तो उसको हम सॉल्व करके देखते हैं. लेट्स से ये हमारा ट्रेन ए है और ये हमारा ट्रेन बी, ये हमारा ट्रेन बी है. इसकी वेलोसिटी इस तरफ 20 है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ
30 है, मान लेते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो एफ नॉट इमिट कर रहा है और ये जो फ्रीक्वेंसी सुनाई सुन रहा है ये एफ ए सुन रहा है, तो ये एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए, एफ ए बराबर हो जाएगा साउंड की वेलोसिटी है 340, हो जाएगी 340, ये हो जाएगी 340 माइनस माइनस, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो सोर्स से ऑब्जर्वर वाला डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेते हैं तो यहां पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 30 है, ये माइनस हो जाएगी, सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये 20 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साथ में इसके क्या आएगा, साथ में इसके एफ नॉट आ जाएगा, तो यहां पे जो एफ अपेरेंट आएगा है ना, एफ अपेरेंट हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 320 इनटू एफ नॉट, एफ नॉट का जो रेंज है वो 800 से लेकर के 1120 तक है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होगा, अगर मैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रेंज लिखो डेल्टा एफ ए लिखो तो डेल्टा एफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 32 इनटू डेल्टा एफ नॉट, तो ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 32 इनटू, और इसका जो रेंज है ना वो 320 दे रखा है, 320 दे रखा है, बेसिकली आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके देखेंगे तो 320 आ जाएगा, यहां से डेल्टा एफ ए कितना आएगा, डेल्टा एफ ए जो आएगा वो 310 आ जाएगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो 310 आएगा, तो ये आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में है, अ ब्लॉक एम हैंग्स वर्टिकली एट द बॉटम एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रो of constant mass per unit length. The top end of the rope is attached to the fixed rigid support at O. ठीक है, a transverse wave pulse 1 of wavelength lambda naught is produced at point O on the rope. The pulse takes time TOA to reach point A. If the wave pulse of wavelength lambda naught is produced at point A, pulse 2, without disturbing the position of M, it takes time TAO to reach Point O, which of the following option is our correct? पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो एक रोप है, ये इस रोप का कुछ मास है जिसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक ब्लॉक हम और लगा देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है लेट्स से इसे ए कह रहे हैं और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम ओ कह रहे हैं, एक पल्स हमने यहां प्रोड्यूस किया इसे हम पल्स 1 कह देते हैं, एक पल्स यहां प्रोड्यूस किया इसे हम पल्स 2 कह देते हैं, पल्स 1 नीचे जाएगा और पल्स 2 ऊपर जाएगा। अब इसके बारे में कुछ बातें पूछी है, ठीक है, अगर हम पहला देखें तो बोला है कि लेट्स से TAO और TOA ये क्या है, तो जो नीचे वाला पल्स है उसको A से O तक जाने में कुछ टाइम लगेगा वो TOA है, जो ऊपर वाला पल्स है उसको A से A तक, O से A तक जाने में कुछ टाइम लगेगा वो TOA है, तो पहला ऑप्शन है कि क्या ये दोनों टाइम बराबर है, तो जी ये टाइम बिल्कुल बराबर होंगे। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना, सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं किसी भी समय की बात करूं है ना, चाहे पल्स ऊपर से नीचे जा रहा हो या पल्स नीचे से ऊपर जा रहा हो, दोनों ही पल्स जब उस पॉइंट से गुजरेगा है ना, तो उन दोनों की स्पीड सेम होगी। स्पीड सेम क्यों होगी, क्योंकि भाई जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ये होता है अंडर रूट टी बाय म्यू, अंडर रूट टी बाय म्यू, तो ओ से ए जाओ या ए से ओ जाओ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों पल्स की स्पीड सेम होगी, क्योंकि दोनों के लिए टेंशन सेम है, दोनों के म्यू सेम है, ठीक है, ठीक है सर, चले तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम हो जाएगा दोनों के लिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है द वेलोसिटीज ऑफ द टू पल्स 1 एंड 2 आर द सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। अगर हम अपने जो क्वेश्चन 1 के लॉजिक से ही देखें, अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं है ना, अगर मिड पॉइंट की बात करूं तो मिड पॉइंट पर जो टेंशन चाहे पल्स 1 हो चाहे पल्स 2 हो, दोनों के लिए टेंशन सेम है, दोनों के लिए म्यू सेम है, तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो पल्स 1 जो है वो नीचे जा रहा होगा, पल्स 2 ऊपर जा रहा होगा, तो इनकी वेलोसिटीज जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम टेक्निकली देखें तो आंसर 2 जो है ये गलत होना चाहिए, क्योंकि इनकी यहां पर वेलोसिटी लिखा है ना, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर वेलोसिटी लिखा है, द वेलोसिटीज ऑफ द टू पल्स है ना, स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, वेलोसिटी अलग अलग होनी चाहिए है ना? लेकिन ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था और उन्होंने इस आंसर को सही माना था, ठीक है, तो मैं इसे सही कह देता हूं, लेकिन टेक्निकली जो है ये आंसर मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि यहां पर अगर स्पीड लिखा होता तब तो ये आंसर सही होता, सही होना चाहिए, अदरवाइज जो है वेलोसिटी के सेंस में देखिए तो ये ऑपोजिट है। चलिए अब हम बात करते हैं द वेवलेंथ ऑफ द पल्स 1
becomes lower when it reaches point A. और चौथा ऑप्शन है velocity of any pulse along the rope is independent of its frequency and wavelength. ठीक है, तो ये दो चीज करने के, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है. velocity of any pulse along the rope is independent of its frequency and wavelength. क्योंकि velocity जो है वो किस पे depend कर रही है? Tension on mu पे depend कर रही है. इसमें frequency और wavelength कहीं भी नहीं आता है. तो fourth option भी सही है. Fourth option भी सही हो गया. एक काम हम करना है कि third option हमें check करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, next slide पे छोटा सा calculation कर लेते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं point A और point O की बात करूं, एक बात हम साफ साफ देख सकते हैं कि O पे जो टेंशन होगा वो A के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि O पे जो टेंशन होगा वो रस्सी का मास भी आएगा, A पे जो टेंशन होगा उसमें सिर्फ ब्लॉक का मास आएगा. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेंशन O पे ज्यादा होगा टेंशन A के कंपैरिजन में, और जो स्पीड होती है वो अंडर रूट टी बाय न्यू होती है. तो स्पीड O पे ज्यादा होगी स्पीड A के कंपैरिजन में. ठीक है, जब वेव एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा तो वेव की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है. वो सोर्स पर डिपेंड करती है. सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो सकता है. तो हम यहां से अगर लिखेंगे, है ना, अगर हम यहां से लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं, वेवलेंथ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है. तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा. तो हम यहां पर कह सकते हैं कि लैम्डा ओ पर ज्यादा होना चाहिए लैम्डा ए के कंपैरिजन में, है ना, लैम्डा एक पे जो है ओ के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए. तो अगर हम देखें द वेवलेंथ ऑफ द पल्स वन जो ऊपर वाला पल्स है बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस पॉइंट ए. जब ये ओ से ए तक जाएगा तो बोल रहे हैं कि वेवलेंथ बड़ा हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली आप देखिए वेवलेंथ छोटा हो जाना चाहिए, है ना. तो आंसर थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा. तो इसका आंसर होगा 1 सेकंड 1 2 और 4 इसका हम आंसर मानेंगे. ठीक है, पहले तो क्लोज पाइप है और ये ओपन पाइप है, तो ये साउंड जो है इसमें हमारे पास जो आएगा ये सिंपल सा हमें ये समझ में आ रहा है लॉन्गिट्यूडल वेव होगी. ठीक है, तो पी का जो आंसर हो जाएगा एक तो ए है, एक ऑप्शन ए है. दूसरी बात करते हैं इसमें प्रोड्यूसिंग वेव, और ये फंडामेंटल की बात हो रही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. तो अब इसमें जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में हमें इसकी बात करनी है, लैम्डा और एल में मेनली रिलेशन लिखना है. तो अगर ये क्लोज पाइप है तो यहाँ पे जो फंडामेंटल होगा ये क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से आएगा. तो ये जो लेंथ बनेगी हमारे पास एल जो होगा वो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 4 के बराबर. तो मतलब लैम्डा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4L के बराबर, 4L हो जाएगा. तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है हमारे पास, ई. तो इसका ए और ई हो जाएगा. ऐसे अपन लोग ओपन पाइप की बात करेंगे तो इसका लॉन्गिट्यूडल वेव है, तो एक तो आंसर ए है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा बाई 4 चलता है, इसमें कितना चलता है लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा. तो इसका ए और डी हो जाएगा जी. तो दो आंसर इसके हो गए. अब बात करते हैं स्ट्रेच वायर क्लैंप एट बोथ एंड, तो ये फंडामेंटल में बात हो रही है तो मतलब फंडामेंटल की बात होगी. तो ये सिंपल से ऐसे बनेगा. ठीक, तो फिर से हम लोग वेवलेंथ को लैम्डा बाई एल जो है वो लैम्डा बाई 2 तो लैम्डा जो लैम्डा हो जाएगा 2L के बराबर. तो एक आंसर तो हमारा डी आ जाएगा इसका जी. ठीक है, और बात ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी और डी एंड डी हो जाएगा. अब बात करते हैं स्ट्रेच वायर क्लैंप एट बोथ एंड, ये क्या दोनों एंडों पे क्लैंप है और एक बीच में इसको कर दे तो क्या होगा हमारे पास, ये इस तरीके से बनेगी हमारे पास. तो ये जो हमारे पास बनेगा लेंथ जो हो जाएगी इसके बराबर हो जाएगी, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, ये लैम्डा बाई 2 का कितना हो गया लैम्डा हो गया. तो एल जो लैम्डा हो गया उसके बराबर हो गया एल के, और जो वेव होगी क्या होगी हमारे पास ट्रांसवर्स. तो इसका बी और सी आंसर हो जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा बी कॉमा सी. ठीक है सर जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37. देखिए 2 कोहेरेंट नैरो स्लिट एमिटिंग अ साउंड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन द सेम फेज आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ स्मॉल सेपरेशन ऑफ 2 लैम्डा. ठीक है, द साउंड इज डिटेक्टेड बाय मूविंग अ डिटेक्टर ऑन द स्क्रीन सिग्मा एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी. डी जो है वो लैम्डा से बहुत बड़ा दे रखा है. ठीक है, फ्रॉम द स्लिट S1 एज शोन इन फिगर फाइंड द डिस्टेंस x सच दैट द इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू द इंटेंसिटी एट पॉइंट O. तो देखिए ये लेट्स से हमारे पास एक स्क्रीन है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं. ठीक है, और इस स्क्रीन पर जो है हम एक डिटेक्टर को जो है मूव करा रहे हैं, कह रहे हैं यहां पर. ठीक है, और लेट्स से पॉइंट P मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, है ना.
पॉइंट पी यहां पर, इन दोनों पर इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। इंटेंसिटी सेम होने का मतलब है कि इंटरफेरेंस एक जैसा होना चाहिए, इंटरफेरेंस एक जैसा होगा तो इंटेंसिटी एक जैसी होगी। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, S2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, S1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब S1 से जो साउंड निकलेगा वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, S2 से जो साउंड निकलेगा वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2 लैम्डा के बराबर, 2 लैम्डा के बराबर। तो पाथ लैम्डा 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब हम बात करते हैं, यदि हम स्क्रीन से दूर जाते जाएंगे तो पाथ डिफरेंस छोटा होता जाएगा, है ना। पाथ डिफरेंस छोटा होगा तो 2 लैम्डा से लैम्डा हो सकता है, लैम्डा से 0 हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 2 लैम्डा के बाद यहां पे अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है और 2 लैम्डा से पाथ डिफरेंस घटेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा, तो कब होगा, जब यहां पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए, ठीक है। मैं ये वाला डिस्टेंस क्या बोल रहा हूं, मैं ये वाला डिस्टेंस x बोल रहा हूं, है ना। मैं पॉइंट p यहां को यहां लिख रहा हूं ताकि डायग्राम थोड़ा सा ठीक से बना सके, है ना। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, S2 को यहां तक जोड़ दो और S1 को यहां तक जोड़ दो, ठीक है। लेट्स से ये वाला जो डिस्टेंस है इसे मैं X1 बोल देता हूं, यहां से यहां तक जो ये वाला डिस्टेंस है इसे मैं X2 बोल देता हूं, ठीक है। हाँ, और देखो ये हमारा लेट्स से सोर्स S1 है और ये वाला सोर्स हमारा जो है वो S2 है। ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो यहां से यहां तक होगा ये पाथ डिफरेंस डेल्टा x होगा। तो ये हमारे पास ये 2 लैम्डा दे रखा है, हाँ ये 2 लैम्डा दे रखा है, लेकिन ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा है यही इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस। तो यहां हम लिख सकते हैं कि डेल्टा x जो होगा वो 2 लैम्डा * cos थीटा के बराबर हो जाए। तो यहां से हम लोग लिखेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू 2 लैम्डा cos थीटा * cos थीटा इनटू कॉस थीटा के बराबर हो जाए, और डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2, तो यहां से थीटा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, थीटा 60 डिग्री आ गया। अगर थीटा 60 डिग्री आ गया, ठीक है, तो हम यहां से अगर टैन थीटा लिखना चाहें, अगर हम टैन थीटा लिखना चाहें तो टैन थीटा को लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक d बता रहे हैं, कैपिटल d है, कैपिटल d बता रहे हैं, ये हो जाएगा x बाय d, और ये tan 1060 हो जाएगा, tan 60 डिग्री जो है ये √3 के बराबर होता है, तो x की वैल्यू जो है वो d √3 हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो है तो इसका आंसर आंसर बताना है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू d √3 हो जाएगी, d √3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A source S and a detector D are placed at distance D apart. A big cardboard is placed at a distance √2D from the source and detector as shown in figure. The source emits a wave of wavelength D/2 which is received by the detector after reflection from the cardboard. It is found that in phase with the direct wave received from the source. Why, what minimum distance should be the cardboard be shifted away so that the reflected wave becomes out of phase with the direct wave? तो इसमें हमें क्या करना है, पहले ये एक वेव आएगी हमारे पास और एक वेव ये डायरेक्ट आएगी, तो इन दोनों का अपन लोग पाथ डिफरेंस लिख लेते हैं, और हमें बोल रखा है इन फेज है मतलब मैक्सिमम मिल रहा है, तो अपन लोग क्या करेंगे, n लैम्डा के मल्टीपल में होगा, n लैम्डा के मल्टीपल में होगा, पहले n लिख लेंगे अपन लोग, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, जो आउट ऑफ फेज होगा तो मतलब मिनिमा होगा, उसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं पहले इसको मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, ये एस वन हो जाएगा और ये टोटल जो आएगा इसको मैं बोलता हूँ एस टू, तो इसको मैं यहां से लिखूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास √2d हो जाएगा जी। तो इसको अगर मैं लिखता हूं, इसको मैं अभी x मान लेता हूं, तो x की जो वैल्यू लिखी जाएगी ये लिखा जाएगा हमारे पास पाइथागोरस लगाएंगे d/2 होल स्क्वायर + 2d स्क्वायर, हां 2d स्क्वायर + d/2 d/2 होल स्क्वायर d/2 का होल स्क्वायर जी। तो x हमारे पास बनेगा ये 9d2/4 बनेगा, फिर बनेगा जी। तो टोटल डेल्टा x लिखा जाएगा, जो पार्ट डिफरेंस लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा S2 माइनस S1 मतलब 2 9d2/4 माइनस का डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3/2 हो गया, d हो गया, तो 3d आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3d माइनस d, और जो डेल्टा x आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 2d आ गया। तो इतना हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, हम लोग मैक्सिमम पता करते हैं किस नंबर का मैक्सिमम मिलेगा,
तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे एन लैम्डा, एन लैम्डा, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया हमारे पास 2d आ गया एन, और जो लैम्डा का डेरिवेटिव दे रखा है d / 2 दे रखा है, तो ये कैंसिल हो गया एन इक्वल टू, एन इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो इतनी कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई कि एन इक्वल टू 4 है। अब इसके आगे जो मिनिमम मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे अपन लोग जी। तो डेल्टा एक्स हमारे पास, अगर मैं यहां से लिखूं तो डेल्टा एक्स जो हमारे पास बन गया ये कितना हो गया 4 लैम्डा हो गया, 4 लैम्डा हो गया। अब इसके आगे का मिनिमम मिल, मिनिमम के लिए 4.5 लैम्डा, 4.5 लैम्डा आएगा। तो जो मिनिमम के लिए अगर हम लोग लिखें 4.5 लैम्डा और लैम्डा d / 2 है और लैम्डा हमारे पास d / 2 है, तो ये अब इसको हम लोग, अब उसमें हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि कार्ड को कितना शिफ्ट करें, तो इसको अपने लोग अगर मैं x मान लूं यहां से तो इतना शिफ्ट करना पड़ेगा, y मान लेते हैं, x पहले भी लिखा, x लिख लिया तो इसको अपने लोग y मान लेते हैं, इसको दोबारा उस तरह बना लेते हैं डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। हां तो ये हमारे पास जो है ये डिस्टेंस d दिया था हमने d? इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा डी रूट टू प्लस प्लस y, डी रूट टू प्लस y हो जाएगा। तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं ठीक है। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूं तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस प्लस 2 डी रूट 2, डी रूट 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना। और अब इसमें अगर हमने पाथ डिफरेंस देखेंगे डेल्टा एक्स जो नया वाला है ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी रूट 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस में डी माइनस डी ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी डेल्टा एक्स जो है ये किसके बराबर होनी चाहिए 4.5, ये 4.5 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो 4.5 लैम्डा हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ठीक है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी बाय रूट 2 डी रूट प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 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 का। तो देखिए इसे अगर हम सॉल्व करेंगे ना, इसे सॉल्व करेंगे तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 0.13d हो जाएगा ठीक है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बहुत इजी है। कंसीडर टू साउंड सोर्स S1 एंड S2 हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड द ऑब्जर्वर ओ लोकेटेड बिटवीन देम एज शोन इन फिगर, ऑल थ्री ऑफ देम मूविंग इन द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर इज। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, एक ऑब्जर्वर O है ठीक है। जो S1 है वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऑब्जर्वर भी 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और S2 भी 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ठीक है। तो हमें पूछा है बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो डॉप्लर इफेक्ट के कारण फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है ना। तो जो S1 की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वही ऑब्जर्वर को सुनाई देगी और जो S2 की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वही ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, और दोनों ही फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है। S1 S2 दोनों के कारण जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो 100 हर्ट्ज़ सुनाई देगी, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 हो जाएगी है ना। जो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। एक छोटी सी बात मैं यहां पर आपको याद दिला दूं है ना, जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है तो डॉप्लर इफेक्ट के कारण फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाता है ठीक है। तो यदि कभी इस तरह के क्वेश्चन में अगर वेवलेंथ में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए है ना, कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो भी वेवलेंथ तो चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। हाँ, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो हमारा आंसर जो है वो सिंपली 0 हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हां नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, ये साउंड डिटेक्टर लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द सोर्स इज एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द लाइन BD विद एन एम्पलीट्यूड BC CD इक्वल टू 6 मीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डिटेक्टर इज 5/5 पर सेकंड, द सोर्स इज एट A व्हेन द डिटेक्टर इज एट B, इफ द सोर्स एमिट कंटीन्यूअस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय डिटेक्टर। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम की अगर हम लोग बात करें, जब ये इधर जा रहा होगा इस वाले पॉइंट की बात करें और इस वाले पॉइंट की बात करें, तो जब ये दूर जा रहा होगा तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा मिनिमम और जब ये इधर आ रहा होगा तो मिलेगा मैक्सिमम। तो हम लोग पहले ये जो हमारे पास सोर्स है इसकी स्पीड में लिख सकता हूँ बी, वो कैसे लिख सकता हूँ मैं, बी लिखूंगा आर ओमेगा के हिसाब से। रेडियस हमें कितना दे रखा है 3 और ओमेगा दे रखा है 30, तो ये तो सिंपल सा हमारे पास नहीं, ओमेगा दे रखा है हमें 10, ये हमें दे रखा है 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 30 होगा। अब हम लोग बात करते हैं ये डिटेक्टर जो चल रहा है, तो देखो मैक्सिमम स्पीड तो इसकी यहाँ पे होगी क्योंकि SHM कर रहा है, मीन पोजीशन में मैक्सिमम स्पीड आएगी। तो अब ये क्या होगा, इधर भी होगा और ये इधर भी आएगा हमारे पास मैक्सिमम, क्यों अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो B को अगर मैं लिखूं तो मैक्सिमम कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा B इक्वल टू A ओमेगा, इसको मैं BD लिख देता हूं डिटेक्टर के लिए। तो एम्पलीट्यूड कितना है इसका 6, ओमेगा की बात करें तो हमें लिखना पड़ेगा ये 2 पाई है क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी इसकी दे रही है, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रही है 5/5। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो ये 6 × 2π / 5/π लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अब अपने लोगों को क्या लगाना है इसमें, इसे पूछा गया हमसे मतलब मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रही है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर मैं डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लिखूं तो एफ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एफ नॉट हमें दे रखा सर, इसमें एफ नॉट जो दे रखा है हमें 340 हर्ट्ज दे रखा है। तो एफ नॉट जो दे रखा है 340 हर्ट्ज दे रखा है, ये डेटा भी लिख लेते हैं 340 हर्ट्ज। तो ये जो हमारे पास लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाता है, साउंड ऑफ स्पीड, ये बी लिख लिया हमने, प्लस माइनस यहां पे लिखा जाता है बी ऑब्जर्वर और यहां पे लिखा जाता है बी माइनस प्लस बी सोर्स, ये हमें दे रखा है इसमें। तो अब हमें बात करनी है मैक्सिमम और मिनिमम की। तो मैक्सिमम मिनिमम की अगर हम लोग आगे बात करें तो डेटा को मैं यहां लिखता हूं, बी ऑब्जर्वर है ये हमारे पास डिटेक्टर, तो बी ऑब्जर्वर को लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा 60 और जो बी सोर्स है ये आ जाएगा हमारे पास 30 और एफ नॉट हमें कितना दे रखा है 340 दे रखा है। तो अब इसको लिख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो एफ मिनिमम की अगर बात करें, मतलब जब दूर जा रहा होगा तो हमें मिनिमम सुनाई देगा, तो यहां पे लिखा जाएगा ये 340 × जो साउंड की स्पीड हमें दे रखी है, इसको चलो बाद में पुट कर देंगे, एक बार इसको रख लेते हैं। मिनिमम की बात करें तो यहां पे आएगा माइनस और जो ऑब्जर्वर आएगा यहां लिखा जाएगा 60 और ये लिखा जाएगा बी प्लस 30, ये तो हमें मिलेगा यहां पे मिनिमम। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम में हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 340 B प्लस 60 बी माइनस 30। तो अब हम लोग देखो इसमें स्पीड हमें दे रखी है साउंड की, साउंड की अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो हमें जो स्पीड 340 दे रखी है। तो अगर एफ मिनिमम की बात करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 257 के आसपास आएगा हर्ट्ज, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 438 आ जाएगा, ये 438 हर्ट्ज के पास आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हमने जो है वेव थ्योरी कंप्लीट कर लिया है और अगली क्लास में जो हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।